हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में पेंट करने वाला हूँ गौतम बुद्ध को, और वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके पहले अगर आपने इस ड्राइंग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें बताया था कि आप गौतम बुद्ध की आउटलाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं इस ड्राइंग में पेंट करने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स सी। इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ कैनवास का, और जो कैनवास का साइज़ है वो है 9x12। तो चलो सबसे पहले कैनवास को अनपैक करते हैं। ओके, तो इस ड्राइंग में कलर करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ कैमल के आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर्स का। और जो अपना ब्रश यूज़ कर रहा हूँ वह ब्रुस्टो के एक्वा स्ट्रोक्स आर्टिस्ट ब्रशेस। सबसे पहले हम लोग एक्रेलिक कलर से पेंट करने के लिए सारी चीज़ों को रेडी कर लेते हैं। ओके, से आपका कैनवास पर फर्स्ट कोट अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कोबल्ट ब्लू कलर का और वाइट कलर का। और यहाँ पर आपको फर्स्ट कोट पेंट करते समय आपने पानी को ज़्यादा मिक्स करना है कलर में। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 12 नंबर का ब्रश कैनवास को कोट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपने ब्रश को गीला कर लेना होगा। देन उसके बाद आपको इन दोनों कलर को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। देन उसके बाद आप लोग इसे कैनवास पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फर्स्ट कोट पेंट करते समय पूरे कैनवास पर ही पेंट करना है। ओके, सो फर्स्ट कोट डन। अब बैकग्राउंड में कलर करने के लिए मैं यहाँ पर कलर ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू वाटर। और यहाँ पर बैकग्राउंड में जो कलर्स यूज़ कर रहा हूँ मैं वो है कोबल्ट ब्लू, पर्शियन ब्लू, वाइट, और बैकग्राउंड में मैंने कहीं जगह सेफ ग्रीन और कोबल्ट ब्लू कलर को मिक्स कर भी पेंट किया है। और यहाँ पर मैं फेस की स्किन टोन को कलर करने के लिए कोबल्ट ब्लू और पर्शियन ब्लू कलर का ही यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैंने इन दोनों कलर्स को ही मिक्स कर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को बना लिया। जैसे यहाँ पर मैंने कोबल्ट ब्लू के साथ वाइट कलर को मिक्स कर स्काई ब्लू कलर बना लिया, वैसे मैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को बना रहा हूँ इन दोनों तीनों कलर्स का यूज़ करके। बस आपने फोटोग्राफ को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जहाँ पर जौन सा कलर दिख रहा है वहाँ पर उसी कलर को आपको पुट करना है। और इस पूरी पेंटिंग में मैं ब्लैक कलर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पर आपने ब्रश को काफ़ी आराम से यूज़ करना होता है जिससे आप काफ़ी अच्छे से कलर कर पाओगे। और यहाँ पर मैं फेस के एक एक एलिमेंट को कंप्लीट करते जा रहा हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले फर्स्ट आई को ड्रॉ करा, अब सेकंड आई को ड्रॉ करूँगा, उसके बाद नोज को, देन लिप्स को, देन पूरे फेस को कंप्लीट करूँगा। आपने भी ऐसे ही करना है। बस पेंट करते समय आपको उसी कलर को यूज़ करना है जो कलर फोटोग्राफ में गिवन है, और जो कलर आपने पहले यूज़ करा था।
ओके सो फेस में जितने भी हाइलाइटेड एरिया है उनको कलर करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कोबल्ट ब्लू कलर का और वाइट कलर का। ओके सो हेड में मैं कलर करने के लिए कॉटन या वर्ड का यूज़ करके सर्कुलर मोशन में कुछ इस टाइप से सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग भी इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं जिससे आप काफ़ी अच्छे से परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर पाओगे। ओके सो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्रश का हेयर्स में जितने भी डिटेल्ड एरियाज है उन सबको पेंट करने के लिए। जैसे हेयर्स के नीचे जो शेडो बन रही थी डार्क शेडो उसको कलर करने के लिए, और यहाँ पर मैं कलर पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। ओके सो अभी मैं यहाँ पर पूरे हेयर्स को डार्क कर रहा हूँ पर्शियन ब्लू कलर का यूज़ करके। बस आपने ब्रश को काफ़ी स्लोली यूज़ करना है जिससे आप काफ़ी अच्छे से एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर पाओगे। ओके सो मैं अपने हेयर में जितनी भी डिटेल पार्ट है उनको पेंट कर रहा हूँ। ओके सो अभी मैं हाइलाइटेड एरियाज को ड्रॉ करने के लिए वाइट जेली रोल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हो। ओके सो फेस के नीचे हमने वही सेम कलर का यूज़ करना है जो हमने फेस में करा था। बस आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमने फेस को ड्रॉ करते समय फॉलो की थी। ओके सब क्लॉथ्स को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ लेमन येलो कलर का, येलो ओकर कलर का, ऑरेंज कलर का और ब्राउन कलर का। ओके सब फ्लावर में पेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ स्कारलेट रेड कलर का और वाइट कलर का, बट यहाँ पर मैं वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ टू मेक पिंक। ओके सब मैं पेंटिंग में कुछ फाइनल डिटेल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ टू गिव अ फाइनल फिनिश टू पेंटिंग। ओके सब आपका गौतम बुद्धा की एक्रेलिक पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ऐसे ही एक्रेलिक पेंटिंग रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है
तो आप मुझे कमेंट ज़रूर से कर सकते हैं, मैं और ट्राई करूँगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जो कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जो कर देना। तब तक के लिए कीप ड्राइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।